Hello everyone, welcome to class number 73 of the chapter data structure. So aaj ki class ka hamara discussion ka topic hai implementation of queue using array. So last kuch classes mein humne discuss kiya tha ki queue data structure hum kis tarah ka data structure ko bolte hain, usme operations kaise perform hota hai aur ek queue data structure ko hum implement kar sakte hain do tarike se, ya to array ko use karke ya to linked list ko use karke. आज के क्लास में हम देखेंगे कि एरे डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम क्यू को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में. सो आज के क्लास में फर्स्ट हम देखेंगे कि हाउ कैन वी इंसर्ट एन एलिमेंट इन ए क्यू बाय यूजिंग एरे. एरे डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके क्यू में हम कैसे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंसर्शन एक एंड से होता है और डिलीशन और एक एंड से होता है. बट स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता था, इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों एक ही एंड से होता था. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, तो सपोज एक कॉलेज है, कॉलेज में कुछ बच्चे फॉर्म फिलअप के लिए आए हैं. तो वहां पे बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, एक एंड से इंसर्ट कर रहे हैं कॉलेज के अंदर. ओके, एक एंड से क्या कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं. तो 10 बच्चे सपोज आए हैं, तो इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ, ऐसे वन वन करके इंसर्ट किए होंगे हम यहाँ से. जब हम डिलीट करेंगे स्टैक में, स्टैक में क्या होता है, जिस एंड से हम इंसर्ट करते हैं वही एंड से ही हम डिलीट करते हैं. तो जिस एंड से हमने इंसर्ट किया था वही एंड से अगर डिलीट करेंगे तो वहां पे डिलीट करते वक्त फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, जो एलिमेंट हमने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था. मतलब 10 पहले डिलीट होगा, फिर 9 डिलीट होगा, फिर 8 डिलीट होगा, फिर 7 डिलीट होगा, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. ओके, मतलब वहां पे हम यूज करते थे लिफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. बट क्यू में क्या होता है, एक एंड से हम इंसर्ट करते हैं और एक एंड से हम डिलीट करते करते जाते हैं. सपोज ये एक एंड है, ये एक एंड है. ओके, तो सपोज ये इन मतलब कॉलेज के अंदर जाने का गेट है और ये ऑफिस है. ओके, तो यहाँ से मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को इंसर्ट किया, तो फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेन. ओके, तो मैंने 10 बच्चों को ऐसे क्या किया, 10 बच्चों को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, 10 बच्चों को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. तो 10 बच्चों को मैंने जो यहाँ पे इंसर्ट किया, तो जिस एंड से मैंने इंसर्ट किया मुझे क्या करना है, हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं क्यू में, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे फर्स्ट इंसर्ट हुआ है उसको फर्स्ट ही हम आउट करेंगे, डिलीट करेंगे. सो फर्स्ट किसको इनपुट किया है हमने, वन को, मतलब वन को पहले से डिलीट करेंगे. तो वन किस एंड में, इस एंड में है, मतलब हम डिलीशन किस एंड से परफॉर्म करेंगे, इस एंड से परफॉर्म करते करते जाएंगे. पहले वन को डिलीट करेंगे, फिर टू को डिलीट करेंगे, फिर थ्री को डिलीट करेंगे. तो स्टैक एंड क्यू के बीच डिफरेंस क्या है पता चला, स्टैक में हम जिस एंड से इंसर्ट करते थे वही एंड से ही डिलीट करते हैं क्योंकि हम वहां पे लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. बट क्यू में क्या करते हैं, एक एंड से इंसर्ट करके और एक एंड से हम डिलीट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. सो पता चला. बट यहाँ पे अगर यही चीज को हम यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो दोनों ऑपरेशंस एक ही एंड से परफॉर्म कर रहे हैं. बट अगर इसको प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम दोनों ऑपरेशंस को एक ही एंड से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दोनों ऑपरेशंस को तो अलग अलग एंड में परफॉर्म कर रहे हैं. मतलब देखो, आप जिस दरवाजे से 10 बच्चों को इंसर्ट करोगे वही सेम दरवाजे से अगर, मतलब जैसे कि हमने स्टैक में किया, जिस एंड से हमने इंसर्ट किया वही एंड से अगर बच्चों को हम निकालते डिलीट करते तो सबसे लास्ट में जो बच्चा है जिसको हमने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था वो पहले ही निकलेगा. बट अगर हम दूसरे एंड से भेजना शुरू करेंगे तो जो बच्चा सबसे फर्स्ट में इनपुट हुआ था, सबसे फर्स्ट इंसर्ट हुआ था, वो बच्चा सबसे पहले निकलेगा. मतलब क्यू में हम क्या कर रहे हैं, एक एंड से इंसर्ट कर रहे हैं तो और एक एंड से हम डिलीट कर रहे हैं. ओके, तो समझ आ गया कि क्यू कैसे काम करता है, स्टैक कैसे काम करता है, दोनों के बीच एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, जो कि हमने रियल लाइफ एग्जांपल को लेके समझा. और ये रियल लाइफ एग्जांपल को ही लेके ये एल्गोरिथम्स, मतलब ये जो डाटा स्ट्रक्चर्स है इनको डिजाइन किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे पहले अगर हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं एक क्यू में, तो पहले देखेंगे कि मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है क्यू का, मतलब कितने एलिमेंट्स हम मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद ये चेक करेंगे कि रेयर जो एलिमेंट हमने लिया है, रेयर जो वेरिएबल हमने लिया है उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू कहीं मैक्सिमम वैल्यू से एक कम तो नहीं है. क्योंकि अगर हमारा क्यू एम्प्टी होता है, तो क्यू जब एम्प्टी होता है तब फ्रंट एंड रेयर दोनों ही वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, दोनों ही वेरिएबल का वैल्यू होता है -1 जब हमारा क्यू एम्प्टी होता है.
और अगर हम फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हैं हमारे क्यू में, तो वहां पे फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू क्या होता है? फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू होता है जीरो। तो जबकि फर्स्ट एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के द्वारा, सपोज यहाँ पे हम चार एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेयर का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? थ्री। मतलब जब रेयर का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से एक कम होगा, इसका मतलब हम क्यू में कंप्लीटली जितना डाटा, जितना एलिमेंट इंसर्ट करना चाहिए उतना एलिमेंट इंसर्ट कर चुके हैं, मतलब हमारा स्टैक, हमारा क्यू फिल अप हो चुका है। तो वहां पे वो क्या रिटर्न करेगा? ओवरफ्लो, क्यू ओवरफ्लो, और जंप करके आ जाएगा स्टेप फोर के पास, क्योंकि वहां पे हम और इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारा क्यू ऑलरेडी फिल अप हो चुका है। बट अगर हमारा क्यू फुल नहीं है, उसमें वैकेंसी है, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, तो फिर हम चेक करेंगे कहीं हमारा जो क्यू है वो कम्प्लीटली एम्प्टी तो नहीं है। जब अगर कम्प्लीटली एम्प्टी है तो वो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा क्यू कम्प्लीटली एम्प्टी है या नहीं? वहां पे जो फ्रंट एंड रेयर दो एंड हम यूज कर रहे हैं, दो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं फ्रंट एंड रेयर, दोनों का वैल्यू अगर माइनस वन है, इसका मतलब हमारा क्यू एम्प्टी है। वहां पे कोई भी एलिमेंट अभी तक हमने इंसर्ट नहीं किया है। अभी हम जो एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं वो हमारे क्यू का फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है। तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू इंक्रीमेंट करके कर देंगे जीरो जीरो, जो कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट को क्यू का वो पॉइंट करेंगे। अगर ये तो दो कंडीशन गया, फर्स्ट कंडीशन अगर क्यू कंप्लीटली फुल है तो ओवरफ्लो कंडीशन राइज होगा, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर एम्प्टी है हमारा क्यू, तो वहां पे फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा, मतलब फ्रंट एंड रेयर दोनों वेरिएबल का वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे जीरो को। अगर क्यू में पहले से कोई एलिमेंट्स हैं, हम फिर एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं और हमारे क्यू में वैकेंट है, वैकेंसी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? सिर्फ रेयर का वैल्यू वन इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम किस एंड को यूज करते हैं? रेयर एंड को। तो जबकि हम यहाँ पे डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेयर का वैल्यू सिर्फ इंक्रीमेंट होगा वन। और रेयर का वैल्यू वन इंक्रीमेंट करने के बाद क्यू में अभी रेयर का जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर पोजीशन में, जो भी नंबर, जो भी वैल्यू, जो भी एलिमेंट हम स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया? सिंपली जिस पर्टिकुलर पोजीशन में हमारे क्यू का न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। पता चला, फर्स्ट हमने यहाँ पे चेक किया कहीं हमारा क्यू फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो रिटर्न करेगा ओवरफ्लो। सेकेंड स्टेप में हमने ये चेक किया कहीं हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है, मतलब अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो पहले वो क्या करेगा? फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू असाइन कर देगा जीरो, क्योंकि वो फर्स्ट जो पोजीशन है हमारे क्यू का उसको पॉइंट करें। या फिर अगर, और अगर हम फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो वो फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू असाइन कर देगा जीरो और जंप करके आ जाएगा नीचे स्टेप थ्री के पास, और वहां पे वो क्या करेगा? वहां पे वो उस पर्टिकुलर पोजीशन में उस एलिमेंट को इंसर्ट करेगा जो एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं। बट अगर हमारे क्यू में ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स हैं, हम फिर न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं उसके बाद, सपोज इसमें दो एलिमेंट्स हैं, हम तीन नंबर में कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो रेयर का वैल्यू पहले से क्या होगा? वन। तो रेयर का वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे एल्स ब्लॉक में, रेयर प्लस वन, तो रेयर का वैल्यू हो जाएगा टू। अभी इस पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट करेगा हमारा रेयर एंड, और उस पर्टिकुलर पोजीशन में हम क्या करेंगे? स्टेप थ्री के थ्रू यहाँ पे न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे जो एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं, और न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद हमारा प्रोसेस खत्म, स्टेप फोर में आ जाएंगे और हमारे प्रोसेस को एग्जिट करेंगे या फिर खत्म करेंगे। तो अगर हम सिर्फ इंसर्शन वाले ऑपरेशन को कोडिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे, इंसर्ट की जगह पे हम एनक्यू फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनक्यू ऑपरेशन मतलब क्या? इंसर्शन ऑपरेशन, सेम है, इंसर्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, एनक्यू फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो वहां पे फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे? कहीं हमारा क्यू कंप्लीटली फुल तो नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे? रेयर इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन, अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब हमारा क्यू फिलअप है, प्रिंट कर देगा ओवरफ्लो और प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। एल्स अगर हमारा क्यू फुल नहीं है, फिर एल्स ब्लॉक में आएगा, उसके अंदर फिर से चेक करेगा कहीं हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? अगर फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू माइनस वन है, इसका मतलब हमारा क्यू एम्प्टी है। तो अगर क्यू एम्प्टी है तो वहां पे फ्रंट एंड रेयर दोनों को असाइन करेगा जीरो, ताकि वो फर्स्ट पोजिशन को पॉइंट करे हमारे क्यू का, और उसके बाद यहाँ पे उस पर्टिकुलर पोजीशन में आइटम को इंसर्ट करें जो आइटम हम इंसर्ट करना चाहते हैं। या फिर अगर हमारे क्यू में
क्यों हमारा अगर एम्प्टी नहीं है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है वो गलत होगा तो जंप करके वो आ जाएगा एल्स ब्लॉक के पास और रेयर का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 1 रेयर प्लस 1 और जो न्यू पोजीशन को अभी पॉइंट कर रहा है हमारा रेयर एंड उस पर्टिकुलर पोजीशन में अभी हम क्या करेंगे उस आइटम को इंसर्ट करेंगे जो आइटम हम इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे क्यू में। समझ आ गया सिंपल तरीके से। ओके तो जैसे कि आप एक क्यू लेते हैं, ये क्यू है, इस पर्टिकुलर क्यू में सपोज हम मैक्सिमम 5 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है तो अभी हमारे फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू क्या है, फ्रंट का वैल्यू भी -1 है और रेयर का वैल्यू भी -1 है। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0, मतलब वो फर्स्ट पोजीशन को क्या करेंगे, फ्रंट एंड रेयर दोनों ही फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट करेंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू अभी हो गया है 0। फिर हम क्या करेंगे, जंप करके आ जाएंगे यहाँ पे क्यू रेयर इक्वल्स टू आइटम। सो फर्स्ट आइटम सपोज मैंने इंसर्ट किया 50, तो यहाँ पे फर्स्ट आइटम इंसर्ट हो गया 50। ओके सपोज मेरे क्यू में क्या है, एक एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्टेड है, उस वक्त मैं क्या करना चाहता हूँ और एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो पहले चेक करूंगा कहीं मेरा क्यू फुल तो नहीं है, फुल तो नहीं है, जंप करके इधर आ जाएगा, मैक्सिमम इसका कैपेसिटी कितना है 5। ओके सो 5 -1 और यहाँ पे हमारा रेयर का वैल्यू क्या है, रेयर का वैल्यू है अभी 0। सो 0 = 5 -1 कंडीशन इज फॉल्स, मतलब स्टैक क्यू हमारा फुल नहीं है तो जंप करके आ जाएगा इधर एल्स ब्लॉक के पास, एल्स ब्लॉक के अंदर जो कंडीशन हमें दिया है वहां पे चेक करेगा कहीं फ्रंट का वैल्यू एंड रेयर का वैल्यू -1 तो नहीं है, नो फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू 0-0 है, मतलब ये कंडीशन भी गलत, ये कंडीशन अगर गलत फिर जंप करके आ जाएगा एल्स ब्लॉक के पास, वहां पे क्या करेगा रेयर का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा रेयर प्लस 1, रेयर का वैल्यू क्या है 0 तो इंक्रीमेंट करेगा रेयर प्लस 1 मींस रेयर का वैल्यू हो जाएगा 1 और रेयर एंड पॉइंट करेगा न्यू पोजीशन को और जिस न्यू पोजीशन को अभी हमारा रेयर एंड पॉइंट कर रहा है उस पोजीशन में हम क्या करेंगे न्यू आइटम को इंसर्ट करेंगे। ओके सो पता चला हम इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एक क्यू में। तो एक कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं कि अगर आपको बोले कंप्लीट प्रोग्राम लिखो एक एलिमेंट को क्यू में इंसर्ट करके उसको डिस्प्ले करने के लिए तो वो कैसे कर सकते हैं, ये कंप्लीट प्रोग्राम अभी हम देखते हैं। तो कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैसियन क्रूड प्री प्रोसेसर से जिसको यूज करके हम हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे यूज किया हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर एक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए कि मैक्सिमम कितना साइज का एलिमेंट, कितना एलिमेंट हमें क्यू में स्टोर कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बाय यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। फिर मैंने यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद ग्लोबली मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए फ्रंट एंड रेयर जिनका वैल्यू मैंने इनिशियली असाइन किया -1 क्योंकि यहाँ पे क्यू में अभी तक हमने कुछ भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है, अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट एंड रेयर दोनों का वैल्यू होता है -1। और यहाँ पे मैंने एक एरे लिया, क्यों लिया एरे यहाँ पे, एरे क्यू डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके और यहाँ पे साइज मैंने कितना प्रोवाइड किया, मैक्स साइज मींस मैंने यहाँ पे साइज प्रोवाइड किया 5। ओके फिर मैंने मेन फंक्शन को ओपन किया, मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया चॉइस, चॉइस वेरिएबल को हमने क्यों लिया उसके बारे में हम देखेंगे पता चलेगा आगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है व्हाइल लूप, तो यहाँ पे व्हाइल लूप मैंने क्यों लिया है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे आते हैं पहले प्रिंटएफ स्टेटमेंट यूज करके मैंने प्रिंट किया मेन मेन्यू, ये बस डिजाइनिंग है, प्रिंटएफ स्टेटमेंट यूज करके मैंने फिर प्रिंट किया एक डिजाइन। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंटएफ स्टेटमेंट यूज करके क्या प्रिंट किया, देखो फर्स्ट में प्रिंट किया मैंने इंसर्ट एन एलिमेंट, सेकंड डिस्प्ले द क्यू, थर्ड एग्जिट, तो यहाँ पे 3 नंबर पे मैंने क्या रखा है एग्जिट। ओके मतलब अगर यूजर अपना चॉइस इंसर्ट करता है 3 इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाए एग्जिट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है कि जब चॉइस का वैल्यू 3 नहीं है तब तक हम क्या कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब चॉइस का वैल्यू 3 आ जाएगा मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा मतलब हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, मतलब हमारा प्रोग्राम इनडायरेक्टली एग्जिट ही हो जाएगा जो कि हम चाहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करके कंडीशन प्रोवाइड किया है चॉइस नॉट इक्वल्स टू 3, जब तक चॉइस का वैल्यू हम 3 इंसर्ट नहीं कर लेते तब तक ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, जब हम इंसर्ट कर देंगे 3 तो मतलब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट मतलब एग्जिट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो वहां पे हम इंसर्ट करेंगे 3 तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा एग्जिट या फिर टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हमने यूजर को यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया एंटर योर चॉइस, चॉइस इंसर्ट करो, यूजर अपने हिसाब से चॉइस इंसर्ट करेगा, अगर 1 इंसर्ट करेगा तो इंसर्ट वाला ऑप्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर 2 इंसर्ट करेगा तो डिस्प्ले वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर 3 इंसर्ट करेगा तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट या फिर एग्जिट हो जाएगा। ओके
यहाँ पे मैंने लिया स्विच स्टेटमेंट का, ओके यहाँ पे मैंने वेरिएबल को लिया चॉइस, अगर चॉइस का वैल्यू 1 है तो हम इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर चॉइस का वैल्यू 2 है तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर चॉइस का वैल्यू 3 है तो एग्जिट फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके और इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन यूजर इंसर्ट नहीं करता तो हम क्या प्रिंट करेंगे, एंटर वैलिड चॉइस, वैलिड चॉइस इंसर्ट करो, क्योंकि यूजर को हमने सिर्फ 3 ही चॉइस दिया है, 1 2 3, उसके अलावा और कुछ चॉइस अगर यूजर इंसर्ट करे तो यूजर को मैसेज दिखाएगा एंटर वैलिड चॉइस। सो मेन फंक्शन का काम खत्म, यहाँ पे सारे क्लोज किया हमने ब्रैकेट, फिर हम आएंगे यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन के पास, अगर यूजर इंसर्ट करता है 1 तो इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इंसर्ट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे आइटम, जिस आइटम को हम क्यू में इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके यूजर को मैसेज दिखाएंगे एंटर द एलिमेंट, एलिमेंट को इंसर्ट करो, यूजर इंसर्ट करेगा एलिमेंट, फिर हम चेक करेंगे कि रियर का वैल्यू, रियर एंड का वैल्यू कहीं मैक्सिमम साइज से एक कम तो नहीं है, मतलब हमारा क्यू कंप्लीटली फुल तो नहीं है, अगर क्यू हमारा फुल है तो प्रिंट करेगा ओवरफ्लो, अगर क्यू हमारा फुल नहीं है तो फिर आएगा इफ स्टेटमेंट के पास, चेक करेगा कहीं हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो फ्रंट एंड रियर दोनों वेरिएबल को असाइन करेगा 0, और जबकि हम फर्स्ट टाइम क्यू में अभी इंसर्ट कर रहे हैं मतलब हमारा क्यू एम्प्टी है, तो वहां पे फ्रंट एंड रियर दोनों का वैल्यू क्या होगा, फ्रंट एंड रियर दोनों का वैल्यू होगा 0, जो कि हमारे फर्स्ट पोजिशन को पॉइंट करेंगे हमारे क्यू का, ओके तो उसके बाद तो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है मतलब इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता मतलब क्यू में अगर पहले से कुछ एलिमेंट होता तो जंप करके आता एल्स ब्लॉक के पास और रेयर का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट करता, सपोज यहाँ पे कुछ एलिमेंट पहले से है तो वो क्या करता, रेयर का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट पोजिशन को पॉइंट करता और जहां पे न्यू एलिमेंट को वो इंसर्ट करता, जबकि हम फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजिशन को पॉइंट कर रहे हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट आइटम को इंसर्ट करेंगे, सपोज फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम सपोज मैंने इंसर्ट किया 123, ओके 123 फर्स्ट आइटम इंसर्ट हुआ और यूजर को मैसेज दिखाएगा कि वैल्यू इंसर्टेड, क्यू में वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, और अगर हम डिस्प्ले मेथड या फिर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, जबकि हम एरे को यूज कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे लूपिंग की जरूरत पड़ेगी, तो नॉर्मली यूज करते हैं फॉर लूप का, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप का, और लूपिंग के लिए एक वेरिएबल चाहिए आई, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया आई, पहले हम चेक करेंगे कहीं रेयर का वैल्यू -1 तो नहीं है, अगर रेयर का वैल्यू -1 है मतलब हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है, और अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो एल्स ब्लॉक के पास आएंगे और पहले दिखाएंगे प्रिंटिंग वैल्यूज, वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, और आई का वैल्यू पहले लेंगे फ्रंट, ओके आई का वैल्यू क्या लेंगे फ्रंट, मतलब जो फ्रंट है वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा होगा, और आई लेस देन इक्वल्स टू रेयर, रेयर मतलब जो कि हमारे लास्ट एलिमेंट है उस लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा रेयर एंड या फिर रेयर वेरिएबल, तो इसलिए यहाँ पे हमने कंडीशन लिया आई लेस देन इक्वल्स टू रेयर, ओके तो यहाँ पे देख सकते हो ये सपोज एक क्यू है, तो क्यू में सपोज मैंने 5 एलिमेंट इंसर्ट किए 50 60 70 80 90, तो रेयर किसको पॉइंट करेगा इसको, और फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा होगा इसको, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, ये जिसको कौन पॉइंट कर रहा है फ्रंट, तो फ्रंट का वैल्यू असाइन करेंगे आई को, और सबसे हम कहां तक जाएंगे एंड तक, तो एंड को कौन पॉइंट कर रहा है रेयर वेरिएबल, तो कंडीशन क्या देंगे आई लेस देन इक्वल्स टू रेयर, जब तक आई का वैल्यू रेयर के वैल्यू के साथ बराबर नहीं हो जाता तब तक हम एंड तक नहीं पहुंचे होंगे, तब तक हमारा प्रोसेस चलता रहे, और एक एक करके वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे इसीलिए आई प्लस प्लस, और एक एक वैल्यू को प्रिंट करेंगे इसीलिए क्यू आई, तो पहले प्रिंट करेगा 50 फिर 60 फिर 70 फिर 80 फिर 90, ओके सो पता चला कि कैसे हम एक सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हैं एक क्यू में डाटा को या फिर एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो हमने मेन फंक्शन के अंदर पहले लिया मेन मेन्यू, उसके बाद ये डिजाइनिंग लिया, फिर वहां पे हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ये लिया था इंसर्ट एन एलिमेंट डिस्प्ले द क्यू एग्जिट, 3 ऑप्शन लिया था, फिर हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिया था एंटर योर चॉइस, यूजर इनपुट करेगा चॉइस, अगर 1 इंसर्ट करेगा मतलब इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो इंसर्ट ऑपरेशन में पहले हमने क्या दिया था एंटर द एलिमेंट, एलिमेंट इंसर्ट किया और वहां पे ऑपरेशन होगा और हमें दिखाएगा मैसेज वैल्यू इंसर्टेड, वैल्यू इंसर्ट हो चुका है, और जबकि हमने व्हाइल लूप यूज किया था तो फिर से वो क्या करेगा, फिर से मेन मेन्यू के पास हमें ले आएगा, मेन मेन्यू में फिर से ऑप्शन दिखाएगा, फिर पूछेगा हमें चॉइस इंसर्ट करो, फिर से अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो वो हमें फिर से इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ करेगा, फिर से इंसर्ट करेंगे, फिर से इंसर्ट किया मैंने, इंसर्ट करने के बाद फिर से मेन मेन्यू में हमें ला देगा, फिर हमें चॉइस इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, फिर मैंने चॉइस इंसर्ट किया 2, मतलब मैं अभी डिस्प्ले करना चाहता हूं जो 2 एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया, फर्स्ट मैंने इंसर्ट किया 123, फिर मैंने इंसर्ट किया 90, ओके तो यहां पे
प्रिंटिंग वैल्यूज के पास मतलब क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंटिंग वैल्यूज फर्स्ट प्रिंट करेगा 123, फिर प्रिंट करेगा 90, प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। प्रिंट करने के बाद फिर हमें मेन मेन्यू के पास ले जाएगा, वहां पे फिर ऑप्शन हमें एंटर करने के लिए चॉइस इंसर्ट करने के लिए बोलेगा। अगर मैं वहां पे इंसर्ट करता हूँ चॉइस 3, मतलब वो हमारे प्रोसेस को एग्जिट करेगा, मतलब हमारे एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देगा। तो टर्मिनेट हो गया, तब तक हम जितना एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते थे सक्सेसफुली हमने उतना एलिमेंट हमारे क्यू में इंसर्ट हमने कर लिया है। ओके, सो आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।